आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट हांड फोर्सिज है लास्ट रिजॉर्ट टू प्रिवेंट एनी फर्दर ई स्टेबिलाई एक अदालत में इंसाफ नहीं मिला तो दूसरे में मिल जाएगा किसी अपील में मिल जाएगा आज से साल बाद मिल जाएगा शायद गाबासी साहब ने अगले दिन काबीना की मीटिंग में ये कहा कि इदारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए हमारे दोस्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पुराने उनने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिमांड किया फैसला आपका माजरत पहले ही कबूल कीजिए क्योंकि गला बहुत खराब है और हालात इसी तरह के लेकिन जो आज के हालात है इस वक्त मुल्क के उसके ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है बारह अक्टूबर उन्नीस सौ निन्यानवे और 12 अक्टूबर 2017, 12 अक्टूबर के दिन आज के दिन जैसा कि आप देख रहे थे क्लिपिंग्स जिसपे जनरल परवेज़ मुशरफ़ ने उस वक्त के मुंतब वज़ी जो दो तिहाई के वज़ी थे मियां नवाज़ शरीफ उनको बरतरफ किया इकतदार पे शबखून मारा कब्ज़ा जमाया मियाँ साहब को उनके भाई को जेल में डाल दिया और आ, आ, उनके ऊपर हाईजैकिंग का तैयारा हाई जैकिंग का, जैकिंग का मुकदमा बनाया मियाँ साहब जो हैं वो मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद भी रहे और उन्होंने मुकदमात का जो था वो सामना भी किया लेकिन जब ये आ, कू किया गया तो उसमें एक वजह तो ये थी कि उनको हटाया जा रहा था यानी जनरल परवेज मुशरफ को लेकिन एक वजह और भी थी कि बार बार ये कहा जाता था कि खराब माशी सूरत हाल और ये माशी सूरत हाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर आखिरकार को इंटरवीन करना पड़ा और उनका इरादा कतई तौर पर नहीं था लेकिन उनको इंटरवीन करना पड़ा आ, अब जो सूरत हाल है उसमें आ, कल एक इकॉनमी के हवाले से भी सेमिनार uh, हुआ है जिसे कि अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है कि इसकी मिसाल पहले मौजूद नहीं है कि कभी फ़ौज की तरफ से सिक्योरिटी एंड जो फाइनेंस इश्यूज हैं उनके हवाले से सेमिनार uh, किया जाए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आर्मी चीफ साहब ने कही उन्होंने कहा कि मीशत ज़िंदगी के हर पहलू पर असरानंदाज होती है रूस के पास हथियार कम ना थे लेकिन कमज़ोर मीशत के सबब रूस टूटा नेशनल एक्शन प्लान पर जामे कोशिशों की ज़रूरत है सलामती और मीशत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तरक्की हो रही है लेकिन कर्जे भी आसमान को छू रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे बेहतर हुए लेकिन जारी खसारा जो है यानी करंट डेफिसिट उस वो बिल्कुल भी कतई तौर पर मुाफिक नहीं हम ये नहीं कह रहे कि ये जो सूरत हाल है इसमें इकॉनमी पाकिस्तान की बहुत बुरी सूरत हाल में है लेकिन सबक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आज पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले थोड़ी देर पहले प्रेस क्लब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सबक वजीर खजाना है सलीम मानवी वाला साहब नैयर बुखारी साहब उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा किया कि वो फिल फॉर जो है वो वह एमरजेंसी का नफाज करें आ, आपने सुना था कुछ दिन पहले डी जी आई एस पी आर की तरफ से कहा गया कि अब मार्शल लॉ नहीं आएगा आ, मार्शल लॉ नहीं आएगा लेकिन मार्शल लॉ जैसा कुछ हो सकता है आ, बहुत सारे सवालत हैं और चौधरी निसार ने भी कुछ अहम बातें की है। लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके हम बात करेंगे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब जाायद हुसैन साहब जिन्होंने विटनेस किया था बारह अक्टूबर आ, दो आ, को जनाब सलीम साफ़ी साहब अगेन आप इनके तजिये तबसरे सुनते हैं सीनियर साहबी हैं बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जयाउद्दीन साहब जो कोई इकॉनमी को भी कवर करते रहे हैं जनाब परवेज मुशरफ को भी इन्होंने ना सिर्फ कवर किया बल्कि टफ टाइम दिया सर बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत मोहतरम कराची से जनाब जनरल रिटायर्ड मोनुद्दीन हैदर साहब जो कि वजी दाखिला भी रहे हैं आ, उनके साथ भी हम बात करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले जैसा आप बताइएगा सर कि ये जो स्टेटमेंट्स और फिर बारह अक्टूबर निन्यावे दो हज़ार सत्रह बारह अक्टूबर कुछ आपको इसमें मुमासलत नज़र आती है हालात बेहतर हुए हैं या बदतर हुए हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हालात बेहतर भी होते होते हो जाते हैं तो है, ऐसी कोई बात नहीं है मुझे तो लगता है कि काफ़ी बेहतर अगर 12 अक्टूबर दो हजार इस वक्त मेरे ख्याल से उस 12 अक्टूबर से तो बहुत लाख दर्जे बेहतर है यानी अगर आप को याद होगा सिविल मिलिट्री ताल्लुक के बारे में सिविल मिलिट्री तालुकात तो सत्तर साल से इसी घरे पे चल रहे हैं कभी ऊंच हो जाती है कभी नीच हो जाती है लेकिन ज्यादातर लगता यही हम जैसे लोगों को कि मिलिट्री uh, जो है उसकी ज़्यादा यानी प्रिडामेंस रही है पॉलिसी मेकिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में भी और जब चीफ ऑफ चीफ़ ने जो कल कराची में जो कहा है कि uh, उन्हें अब रियलाइजेशन हुई है कि मीशत जो है वो बहुत ही उसकी बहुत ज़रूरत होती है सिक्योरिटी के लिए भी यानी अब तक तो हम हमें जो नज़र ये आ रहा था कि फ़ौज ये सोचती रही है या उनक, उनकी जो आ, अप्रोच रही है वो हमेशा ये रही है कि सिक्योरिटी जो है ना वो मुकदम है बाकी की सारी चीजें पीछे कितनी लेकिन, के के हुई है। हुई है तो अच्छी बात है सलीम साफी साहब क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कभी मैशत के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर तरह सेमिनार नहीं हुआ फिर इस खुल के उन्होंने बल्कि उन्होंने ताजरों से भी कहा कि आप टैक्स भी दिया कीजिए क्यों नहीं देते आप टैक्स मैं तो इकोनॉमी को समझता नहीं हूँ लेकिन जो जिया साहब जैसे माहरीन जो बता रहे हैं तो तकरीबन इस पर सिवाय हुकूमती तर्जुमानों का इकानमी की हालत जो है वो बहुत अबतर है और इस पर ठीक है कि एक डिबेट दूसरी है कि कुछ हमारे पोलिटिकल सर्कल्स के लोग हमेशा ये कहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ तलुकात ख़राब होते हैं या हमारे डिफेंस के अखराज ज़्यादा है इसलिए हम अपनी इकानी को ठीक नहीं कर सकते दूसरी साइड का ये आर्गमेंट होता है कि चूँकि गुड गवर्नेंस गुण नहीं है करप्शन है तो इसलिए हमारी इकानमी वो ख़राब है लेकिन एक तो इस वक्त मेरे ख्याल में उन सर्कल्स में भी जो मिलिट्री सर्कल्स हैं ये रियलाइजेशन है कि वाकई अगर हमारी इकानमी ख़राब होती रहे और दूसरी तरफ इंडिया जैसे बड़े हरीब की इकानमी वो स्पीड से ग्रो करती रहे तो हम अगर हथियारों में फ़ौज में और एटमी टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में मुकाबला कर भी लें तो शायद एक मौका ऐसा आ जाएगा कि हम इंडिया के मुकाबले के काबिल नहीं रहेंगे तो स्ट्रेस में इस वक्त जिस तरह यानी इकोनॉमिक स्ट्रेस में जिस तरह की आवाम है या गवर्नमेंट है उसी तरह सिक्योरिटी के इदारे भी हैं और दूसरा उस तनाजर में जब वो देखते हैं तो मेरे ख़्याल में इस वक्त हमारे अस्करी इदारे भी हैं वो इकॉानमी से मुतालिक परेशान हैं हाँ ये एक दूसरी बात है कि क्या मिलिट्री की तरफ से इकॉनमी पर इस तरह का तबसरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए

पहली दफ़े रियलाइजेशन नहीं है नहीं। इससे पहले भी जो है एक जनरली सिक्योरिटी इस्टेबलिशमेंट में एक रियलाइजेशन रही है कि जो है अगर इकॉनमी को करती है या ख़राब होती है तो उसका के असरा बर मुल्की मुल्क की सिक्योरिटी पे भी पड़ते हैं बिल्कुल लेकिन वजह वो नहीं थी ये है। लेकिन एक बात है कि उन्नीस सौ तिरानवे में जब मियाँ साहब की पहली हुकूमत ख़त्म की गई थी मिलिट्री तो नहीं आया था लेकिन पहली दफ़ा जब उनको हटाया था गुलाम शाह खान ने फिर दूसरी दफ़ा तो खैर दोनों को इस्तीफ़ा देना पड़ा था लेकिन उस वक्त इकॉनमी मेजर इश्यू था उस वक्त जो है क्योंकि पीली टैक्सी और पता नहीं कौन कौन सी स्कीमें थी जब मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी उस वक्त जो है तीन सौ मिलियन डॉलर जो है फॉर और बीबी की भी हुत इसीलिए बरतरफ हुई थी जी, 96 में जो है वो वो में खाल इतना वो नहीं था। में में पावर प्लांट्स के ऊपर भी काफी वो, वो अलग मसले कुछ वो इल्जाम जरूर थे ये तमाम चीजें थी लेकिन इकानमी का जो मसला आता है वो मिया साहब के साथ ज्यादा आता है उसकी वजह दूसरी है इसकी वजह ये नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ था या बेहतर सूरत हाल नहीं हुई है लेकिन उसमें सूरत हाल ये थी कि बस चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावेगेंट हो जाती हैं है। जिसकी वजह से जो है आपकी मैक्रो इकनॉमिक जिसमें एक फॉर एक्सचेंज रिजर्व आता है आपका ट्रेड डिफिसिट आता है वो जो है वो उसमें जो है ख़राबी पैदा होनी शुरू हो जाती है अभी भी जो सूरत हाल है वो ये नहीं है कि इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है या वो हो गया लेकिन उसमें अभी भी सूरत हाल जो बन के आई है वो ये थी कि थोड़ी सी अलार्मिंग हुई है सिचुएशन कि जो है जो पे बहुत पहले जब मियाँ साहब इकदार में आए थे तो पहले लोगों ने यही कहा था तौर पे तो आप मैनेज कर जाएंगे लेकिन एक रिफॉर्म जो है वो, वो, वो आपको करने पड़ेंगे वो नहीं किया बेहतर तो, ये, ये थे या अब के हालात जो है वो बेहतर है आज जावेद हाशमी साहब का स्टेटमेंट चल रहा था कि अब के जो हालात हैं वो बारह अक्टूबर निन से बदतर है तो आप इसको किस नजर से देखते हैं आप उस वक्त मौजूद थे जाहिर जी हाँ मैं मौजूद था लेकिन मेरे पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी मैं गवर्नरी से फारिग होकर घर बैठा हुआ था लेकिन मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि वो मार्शल और ना लगता अगर नवाज शरीफ साहब परवेज मुशरफ़ की मुल्क से गैर मौजूदगी के दौरान एक नए आर्मी चीफ को खड़ा करके और कहते कि भाई आप इसको जो है अपना कंट्रोल जो है वो हासिल करें चार पाँच घंटे जब तक उनकी फ़्लाइट डाउन करती है यहाँ पर तो ये एक बहुत ही यानी दिस वो सोल रीजन आपके ख्याल में सिर्फ ये एक रीजन थी कि उनको उन्होंने हटाया नहीं आने देखिए टे... देखिए टेंशन चल रही थी कारगिल हो चुका था उस पर जो थे अपना परवेज मुशर्रफ साहब के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत शकुक व शबात पैदा हो गए थे और मेरे ख़्याल में अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कारगिल के को ऊपर कोई एक्शन लेते वो कहते कि भाई आपने पूरी तरह कॉन्फिडेंस में नहीं लिया नहीं। और हम तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक ठीक कर रहे थे और वाजपेयी साहब बस यात्रा पर आए थे और हालात बेहतर हो रहे थे तो आपने ये जो काम किया तो उससे सब चीज़ जो है फिर रिवर्स में चली गई तो वो तो ठीक स्टेप था लेकिन जिस तरीके से कि वो बाहर गए हुए एक सरकारी दौरे पर और पीछे आप जो है एक नया चीफ लगा दें अब वो लोगों को टेलीफोन करना आधे लोग उसकी बात सुन रहे हैं आधे लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं ये तो मुल्क में एक सिविल वॉर शुरू हो सकती थी और फौज फौज के खिलाफ भी खड़ी हो सकती थी ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन थी तो, तो मेरे अभी, अभी से अभी, अभी कि ऐसी सिचुएशन नहीं है अभी आप कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन नहीं है माशा सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो काफी हद तक बेहतर है और बाकी भी मुल्क के हालात पहले के निजत बेहतर है लेकिन आजकल ये जो रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं और जो जुडिश्री के ख़िलाफ़ और फौज के खिलाफ इस किस्म के बयान आ रहे हैं या जिस तरीके से लेजिस्लेशन की जा रही है सेनेट में कि एक वोट की आपने बहुत तेज़ी के साथ पूरे किसी ने पढ़ा ही नहीं है उसमें ख़त्म नबोबत का भी मसला आ गया दूसरा भी आ गया आपने उसको पास कर दिया ममनू साहब ने उसको साइन भी कर दिया उसी रात को मुस्लिम लीग ने अपना आइन तब्दील कर दिया तो ये बातें जो है कौम में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करती और इससे ऐसा लगता है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है और जिस तरीके से फिर सफदर साहब ने तकरीर की है ये मुल्क में और एक नया मसला खड़े करने के है, है तो ये लगता है कि कोई इंतार टाइप की चीज जो है साथ वो साथ हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सूरत हाल ऐसी बनाई जा रही है बिल्कुल आप सही कह रहे क्या ये जो कैप्टन सफदर की स्पीच थी इसमें निशाना कौन था बहाना कौन था देखिए एक तो कुछ हवालों से बिल्कुल पाकिस्तान जो है बारह अक्टूबर नाइन्टी नाइन के मुकाबले में बहुत तब्दील हो गया है उस वक़्त ये सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त ये मोबाइल सेट नहीं थे मिडिल क्लास उसकी बन बढ़ गया है नए सियासी क़वतें सामने आ गई हैं लेकिन का, कुछ हवालों से काफ़ी ममासिलत भी है मसला एक ये कि उस वक़्त भी जो मैं नवाज़ शरीफ साहब और आर्मी के दरमियान टेंशन थी आज भी टेंशन है उस वक़्त ठीक है कि रीज़न कारगिल बना था अब के बार पानामा और कुछ और चीज़ें बन गई होंगी लेकिन टेंशन है दूसरा उस वक़्त भी अमेरिका को पाकिस्तान आर्मी से कुेर दबाव लाने के लिए अफगानिस्तान और उसके कंटेक्स्ट में ज़रूरत थी कि कोई ऐसा जाल बिछाया जाए कि जिसमें आर्मी को जेर दबाव लाया जाए आज भी अफगानिस्तान के मामले पे या बाकी मामला पे अमेरिका और पाकिस्तान का वही टेंशन उस लिहाज से चल रहा है और मुझे लगता है कि अगर खुदा न खासा मैं अमेरिकी होता तो इस वक्त मुझे भी पाकिस्तान में मार्शाला सूट करता अच्छा। क्योंकि उसके बाद आप मिलिट्री को आसानी के साथ वो ब्लैक कर सकते तो यहाँ सब कुछ उस वक्त भी उससे पहले जुडिशरी का नवाज शरीफ और जुडिशरी की तलखी इतनी हो गई थी कि बज़ाहिर जुडिशरी जो थी वो दूसरी तरफ कड़ी नजर आई वो सिमिलरिटी भी है कि जुडिशरी के साथ नवाज शरीफ का और उनकी पार्टी का वो टेंशन चल रहा है उस वक्त भी कुछ सियासी कवत अगर उससे पहले आप देखें तो जे डी ए बन गया था उसमें कादरी साहब थे और इस तरह के लोगों को इकट्ठा किया गया था और फौज को दावत दी जा रही थी आज भी पाकिस्तान में एक तरफ अपोजिशन में कुछ ऐसी जमातें मौजूद हैं, कादरी साहब वगैरह तो अपनी जगह पे दोबारा मैदान में हैं, लेकिन अपोजिशन की ऐसी जमातें हैं कि जिनका शब रोज काम यही है कि वो एम्पायर को बुलाती अच्छा है खतरनाक एलिमेंट अच्छा <laughs> अच्छा जो एड तो हो वो मीडिया की तकसीम का है एग्जैक्टली मीडिया तबका जो है उसकी दिन रात ये कोशिश है की किसी तरीके से हुकूमत सिविलत और, और अस्करी क्यादत को लड़ पड़ेगा बिल्कुल एक एक छोटी सी ब्रेक लूंगी लेकिन ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे और जो कैप्टन सदर का इशारा <laughs> जन्ना साहब ने भी किया है मैं भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ बहुत सारे इदारों की भी बात की उसका मकसद क्या था और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि फौज इकतदार पे कब्जा जमाले हालात ऐसे बनाना चाह रही है या नहीं इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरिन एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक से पहले सब बात हो रही थी कि मतलब हालात ऐसे बिल्कुल नहीं है और साफ स्टेटमेंट भी आ गया कि हम नहीं आएंगे लेकिन क्या हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं जरदारी साहब का कहना है कि पी एम एल एन खुद क्रिएट कर रही है ऐसे हालात के वो आ जाए देखिए जरदारी साहब के स्टेटमेंट आज के दिन आप उसको देखें इस नज़रिए से कि किलेक्शन आ रहे हैं उसके अलावा मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब का कोई और टारगेट है और दूसरी बात यह इमरजेंसी वो, वो वाली बात है वो पाँच साल उन्होंने जब हुकूमत की थी तो अगर उस उस पर चले जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या हरकतें की थी जहाँ तक मीशत का ताल्लुक है आज के दिन आ, मैंने चीफ ऑफ स्टाफ की बातों को नज़र में रखते हुए इतनी भी बुरी हालत नहीं है अभी ब्लू का एक एनालिसिस आया था जिसमें पाकिस्तान को एक रिटेल बिजनेस में सबसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव कंट्री मानी जा रही है और आज स्टेट बैंक ने भी जारी किया है कुछ के बहुत देखे, अच्छा देखे, इस वक्त आप इस मुल्क के जितने भी बड़े शहर हैं जितने भी बड़े टाउन्स हैं उसमें चले जाएं वहाँ शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं आज से दो साल पहले इस्लामाबाद में दो शॉपिंग सेंटर हुआ करते थे दस साल पहले एक मार्केट आज इस वक्त दस पंद्रह उसी उससे भी बहुत काफी बड़े ये हुई है, है।, उस मतलब है प्रोडक्शन हो रही है इन्वेस्टमेंट हो रही है मसला ये ब्लैक मनी जो है ना वो मैसेव हो गई मैसेव हो गई बिल्कुल ये ये आप एग्री करते हैं क्योंकि एक तो ये मैशत की बात हो रही है और दूसरा फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसका इशारा जनरल साहब <coughs> ने किया कि भाई हमने पेश नहीं होना एक क्योस पैदा करने की कोश कर कोशिश करनी खैर अब तो पेश भी हो रहे हैं मियाँ साहब मरियम भी आ गई हैं वो भी सुबह जाएंगी फर्द जुर्म भी शायद आयद हो जाएगी जब भी मियाँ साहब आएंगे देखिए नाइन वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं है जो है उस वक्त जब ये ऐसा लगता था कि वो दीवार पे लिखा हुआ था कि मार्शल ये मिलिट्री आने ही आना है वो सूरत हाल अभी नजर नहीं आती है ये जो है जहाँ तक सिविल मिलिट्री के जो है वो ताल्लुकात का की बात है तो वो तो रही है और टेंशन रही है और अभी की बात नहीं आठ दस साल से ये जब से मतलब सिविलियन हुकूमत आई है तो किसी न किसी सूरत में इनके ताल्लक़ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं चाहे है वो पहले जरदारी साहब की हुकूमत थी आप थी लेकिन ये ज़रूर है कि कशीदगी में थोड़ा बहुत लेकिन अभी भी सूरत हाल ये है कि जो मुल्क की जो तब्दीली आई है ओवरऑल जैसे सलीम साफी अभी कह रहे थे बिल्कुल सही है कि ये वक्त जो है बहुत सारी चीज़ें और तब्दील आई हैं तो और दूसरी बात एक बैलेंस ऑफ पावर अभी भी मौजूद है यानी ये नहीं है कि मिलिट्री की थोड़ी सी स्पेस जरूर बढ़ी है की बढ़ी है तो उसमें जो है फिर उसके बाद ये मुमकिन नहीं होता है कि कोई एक अदारा जो है कब्जा कर ले उसके लिए जरूरत होती कि बहुत ही कोई एम्बिशियस जनरल होता तो शायद वो इस किस्म के एडवेंचर कर लेता लेकिन मुझे अभी हाल जो के नहीं है। आर्मी चीफ नहीं लग रहा है ये भूल जाते हैं लोग कि नाइनटी नाइन में जो है आपको चैलेंजेस वो नहीं थे जो आज है ठीक आज आपकी जो है आर्मी एक डेढ़ लाख के करीब अभी भी जो है आपके कबाइली इलाकों में बिल्कुल दूसरी एक और बात भी आती है की नहीं एक्सटर्नल थ्रेड्स को देखें क्या उस वक्त ये सूरत हाल थी जो आज अफगानिस्तान और फिर इंडिया के साथ जो है उस वक्त तो ये सूरत हाल नहीं भी थी, भी थी भी वहाँ भी पे तो ये तो 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 इसको मद्देनजर रखें तो फिर इस तरह के हालात नहीं है लेकिन जनासा आप ये बात जो आपने जो सूरत बन रही है उसके अंदर एक क्योस और एक अफरा तफरी की सी सूरत है कि हमने अदालतों को नहीं मानना हमने बात नहीं करनी तो क्या आपको लगता है कि सियासी हुकूमत की तरफ से कोशिश हो सकती है कि इलेक्शन ना हो और कुछ हो जाए देखिए ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जुडिशरी के खिलाफ रिमार्क्स पास होते हैं बिल्कुल या इशारे कनायों में बातव खुले तौर पर वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम करते हैं और गैर ज़रूरी तौर पर करते हैं और वो कहते हैं कि बंगाल का को कोई याद कराते हैं कहानी और अपना केस जो था उसमें भी लेकिन वो अब डिस्क्रेडिट हो गया है उसको अब हमने पीछे छोड़ दिया है अगर आप कानून की बात करें आइन की बात करें तो इस वेलकम बैक नाजरीन एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हम बात कर रहे थे कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त उसमें पोलिटिकल खास करके और साफ़ी साहब आपने सुना होगा एक तो ज़ाहिर के बहुत गु़स्सा है जो कैप्टन सफदर की स्पीच थी उसके ऊपर और ये स्पीच क्यों की गई है अब तो खैर ऐसे इकबाल साहब भी कह रहे हैं उनकी अपनी हुकूमत भी कह रही है आ, क्या लगता है आपको कि ये एक कन्फेंट्रेशन डायरेक्ट एतज़ाज़ साहब ने आज कहा है कि ये आर्मी चीफ के लिए उन्होंने पैदा किया है कन्फेंट्रेशन देखिए इस वक्त मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई शक नहीं मिलिट्री लीडरशिप की कोई ख्वाहिश नहीं है इंटरवेंशन की बार बार ऑफिशियली भी ये वाजे किया जा चुका है बिल्कुल मेरी यकीन कि इस वक्त जो यही इकोनॉमी का जो चैलेंज है जो बॉर्डर्स पे जो चैलेंज है जो इंटरनेशनल फोर्सेस की तरफ से चैलेंज है तो उस कंटेक्सट में तो इस तरह की कोई एडवेंचरिज्म जो है वो मुल्क तबाही के मुतरद है तो ज़ाहरी बात है कि मुल्क के जो दिफा के इदारे हैं वो हमसे ज़्यादा इन चीज़ों पर सोचते होंगे इसलिए मुझे ख़ुद भी इस पर यकीन है कि उधर ना कोई ख्वाहिश होगी ना इरादा होगा न विल होगा लेकिन इस वक्त जो मुल्क फ़ा बन गई है तो कुछ हवालों से ये बड़ी अफसोसनाक भी है क्योंकि एक तो ख़ुद मियाँ साहब या अभी आपने कैप्टन सफदर की मिसाल दी कि उन्होंने अपने जहन में ये बिठाया हुआ है कि हमारे खिलाफ जो फैसले हुए अदलिया के वो मेरिट पे नहीं हुए और वो उसको किसी साजिश का नतीजा समझते हैं तो बाज अवकात जब साफ बात की जाती है तो फिर भी दूसरा फरीक इतना लेकिन ये जब आप इशारों के नायों में कभी <coughs> ये वाली हरकत हो गई कभी दूसरी हरकत हो गई कभी तीसरी तो इसकी वजह से दूसरा फरीक जो है बहुत ज़्यादा उस उसको तकलीफ होती है नंबर वन नंबर टू इस वक्त बदकस्मती ये है कि मुल्क के अंदर सियासी क़वतें ऐसी हैं यानी एक तरफ नवाज शरीफ साहब का रवैया अपना वो ख़राब है कि जिसकी वजह से कन्फ्रेंट्रेशन मजीद बढ़ती जा रही है दूसरी तरफ आपकी सियासी मसलन देखिए पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरीत की अलम्बरदार पार्टी उसके जरदारी साहब जो ऊंट से ऊंट बजाने की उन्होंने बात की थी उसने पिछले साल में कोशिशें और मेहनतें तरले करके ईंट से ईंट लगा दी और अब उस ईंट से लगी हुई ईंट को मजबूत मजीद <laughs> मजबूत करने के लिए एक तरफ वो दूसरे तारदरी बनते जा रहे हैं आज जो एतजाज ने बात की है तो उनकी भी ये कोशिश रहती है कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री की लड़ाई करवा दे इमरान खान साहब और कादरी साहब तो पहले से इस मिशन पे है लेकिन इन सब में भी जो एक बड़ी अफसोसनाक वो हम मीडिया वाले हैं सही बात है। कि एक तो मीडिया को जिस तरह तकसीम किया गया है पिछले सालों में कि एक प्रो नवाज या प्रो डेमोक्रेसी तो वो एक नवा... एंटी एंटीबलिट हाँ, और एंटी डेमोक्रेसी अच्छा, तो अब ये मीडिया जो कुछ करता है उसको भी नवाज शरीफ एंड कंपनी के काते में डाला जाता है दूसरी तरफ मीडिया का एक ग्रुप है कि जो वो खुद भी अगर अपना कुछ करे तो उनकी हर हरकत को इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाला जाता है और मीडिया के अंदर वही लोग जो रेजाना सियासतानों को गालियां दे जो बात करते हैं तो उन लोगों की हरकतों को भी जिस तरह वन साइडेड वो लगे होते तो उसको पोलिटिकल लीडरशिप जो है वो कुछ और तीसरी चीज फिर मीडिया के अंदर एक सो कार्ड इस वक्त जो कोई फौज का मुफ्त में तर्जुमान बना हुआ है मतलब इस आप शेख रशीद को देखे भाई फौज का अपना इस पी आर है अपना तर्जुमान है वो रोजाना और हमने भी उनको इंट्रोड्यूस करी जी वो क्या सोच रही है वो ये कर रहे हैं वो वो है। ये कुछ आ, हमारे जो एक्स लेक पॉलिटिकल फेस तो है ना शेख रशीद साहब और पार्लियामेंट भी जाते हैं बहुत बड़ा पोलिटिकल फेस है बहुत बड़ा पोलिटिकल फेस है और एक बड़ा यानी जेन्युइन पॉलिटिशियन हाँ। लेकिन और लीगल बेस के जरिए से वो फौज है, है फौज बहुत बड़ा ادارा है उसका बहुत बड़ा अच्छा, सेटअप है का सही तो 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 नहीं उनके, उनके, ये अच्छा ये ये वैसे तर्जुमानों को भी शट अप बिल्कुल बिल्कुल ये मैं जनरल साहब से क्योंकि देखिए कुछ ही सेम वॉइस हैं जनरल साहब इज आल्सो वन ऑफ देम जो कि नहीं कहते कि भाई हम उनके माउथ पीस है मैं जनरल साहब आप लोगों की कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है इदारा ये बात कर रहा है तो क्या हम ये समझ लें कि वो इदारे का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं या इदारा खुद क्यों नहीं कह देता हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के कुछ स्टेटमेंट्स थे जिससे कोई कंट्रोवर्सी मुल्क में जनरेट हो गई थी और ये सवाल फिर डी जे एस पी आर से डायरेक्टली पूछा गया था उन्होंने था उन्होंने कहा कि एक वो पुराने हमारे चीफ हैं या सदर रहे हैं और वो सियासत में है उनकी सियासी पार्टी है और अगर वो कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये फौज की तर्जुमानी है फौज की बैकिंग है यह फौज भी इससे एग्री करती है वो उनके अपने ख्याल हैं और उन्होंने उससे ताल्लुकी का एक किस्म का इजहार किया था इस बात से तो दूसरी बात यह कि बहुत से जो है फौज के लोग एक्स वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो आते हैं और वो अपना नुकता नजर बयान करते हैं चूंकि उनका फौजी बैकग्राउंड है तो आप कह सकते हैं कि एक और नुकता नजर सामने सियासत वालों के साथ आ जाता है सामने लेकिन ये कहना कि उनको कोई ब्रीफिंग मिलती है या किसी से ब्रीफ लेकर आते हैं तो ये सही नहीं होगा सही, ये सही। लोग इंडिपेंडेंट और उनकी बहुत सी बातों अच्छा। से हम फौज वाले भी अग्री नहीं करते बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लेकिन लेकिन, लेकिन साहब जो बहुत से लोग कहते हैं ना मार्शल लॉ तो अब नहीं आएगा लेकिन मार्श, मार्शल लॉ जैसा तो कोई आ सकता है या इस वक्त जो सूरत हाल है उसको आप किस तरह से वो बात बिल्कुल सही है कि कोशिशें जारी है आ, सिर्फ हम हुकूमत की बात नहीं कर सकते हैं जो है जो अपोजिशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो किस तरह शेख रशीद की मिसाल है उनका अपना फेस होगा बहुत आवामी होगी लेकिन जो बातें करते हैं आप मुझे बताइए साल भर से मुस्तकिल कह रहे हैं कि आप जनरल ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं उनको ये कर देना चाहिए और तख्ता हो जाएगा ये चीज़ें क्या मान्य रखती हैं लेके तो ये ये एक खतरा जो है जमहूरियत को ये दोनों तरफ से बन के आता है इस किस्म के लोग जो हैं और करते हैं दूसरी बात और मैं इस पर आता हूँ थोड़ा इसमें रिलीजियस उसको जो है एक और बात भी है कि इसकी कैप्टन सफदर की जो थी तकलीफ एक हेट स्पीच थी उसको उसी तरह लेना चाहिए था उसका मकसद जो था वो एक एक लिहाज से जो है एक मजहबी जज्बात को खेलना था और जब लोग ज्यादा करप्ट होते हैं या जो भी उनके खिलाफ इल्जाम होते हैं तो मजहब का सहारा लेते हैं और यही चीज जो हमें न, उस दिन की उधर से नहीं हुआ हुआ है वही बात करूँ एक फिजा बनी हुई है जहाँ पे जो है मजहब को दोबारा जो है वो एक लिहाज से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके साथ साथ एक और बात भी आती है कि सिर्फ ये सिर्फ ख्वाजा ये इसकी कैप्टन सफदर की तो तकरीर जो है वो इंतहाई जो है लेकिन आप मुझे बताइए कि आज जो बाहर जो भी बैठे हुए लोग हैं जब शेख रशीद साहब हैं या दूसरे लोग हैं अगर उन्होंने एक जो जो भी वाक़ हुआ था कौमी असम्बली में कोई चीज़ रह गई थी आपने उसको इतना बड़ा इशू बना लिया है इतना बड़ा इश्यू बना लिया है कि पूरी सियासत को आप उसके गिर्द घूम रहे हैं तो उसमें जो है उसके नुकसान किसको बन के आते हैं और सब लोग भूल जाते हैं कि ये जो है ये चीज आगे चल के इन सब के खिलाफ जाएगी आप एक दफा अपने एक लिहाज से वो चीज़ आपके लिए भी इस्तेमाल होगी बिल्कुल मैं सिर्फ एक साहब से माजरत के साथ देखे अगर आप इस मुल्क में दिफा पाकिस्तान कौंसिल जैसे मजहब को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने वालों की सरपरस्ती ना करते अगर इस मुल्क में इस कैप्टन सफदर की हरकत से चंद रोज पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई जिसमें एक साहब जो है वो म्या नवाज शरीफ को नवजुबिल्ला वाजिबुल कतल करार दे कि कुले आम ये इकरार कर रहे कि मेरे अगर सामने आए तो मैं ये ये करूँगा उनके साथ इस तरह के लोग जब दंदनाते फिरेंगे अब मसला अगर ये चीज़ ना होती पाकिस्तान में पहले तो से ये किसने कंट्रोल करना मेरी, था मेरी, ये मेरी, रियासत का मेरी मेरी का काम था काम जो नहीं किया उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना मसलन ये अभी जो हम बात कर रहे थे ठीक है खबर बाजवा साहब के दौर में ये बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने परवेज मुशरफ के बारे में डी जी एस पी आर ने क्लियर कट वो ले लिया व्यास्ट में तो ये भी हुआ है ना कि परवेज़ मुशर्रफ को बचाने के लिए ही इमरान खान से धरने करवाए गए राहल शरीफ साहब तो कौम तो इतनी जल्दी उसको नहीं मैं ये कहता हूं कि अगर ये इस्तेमाल ना होता मजहब का इस तरह के मकासद के लिए और इस तरह के लोगों को पहले से शटअप काल दी जाती तो कल इसम्बली के अंदर ये इस कैप्टन को ये जरूरत कभी ना होती अच्छा ये सिर्फ मुशरफ साहब को बचाने के लिए आपको लगता है कि ये बात सारा बात हुआ था। कर करना दिल्ली मुस्लिम लीग को जैसे किया गया जिस तरह से उनके बैनर्स लगे पूरी दुनिया में जगह कौन कर रहा था लोग तो ये सोच रहे ना कि कोई एक अदारा जो है इनको प्रमोट कर रहा है लेकिन मैं एक और एक बात करना चाह रहा था कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर निकाला गया है इस मुल्क में उसके साथ साथ उसकी हुकूमत भी गई है ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत बरकरार है तो ये बहुत बड़ी बात है और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है जैसे कि कल चीफ ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि रीजनल ट्रेड होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly. तो ये जैसे कि साफ़ी साहब ने कहा कि ये जो काउंसिल है हाफिज़ सईद साहब का चीफ साहब को चाहिए कि उन्हें समझाए कि भाई ये मीषत जो है उसको जो हालत पहुँच चुकी है उसका मेन रीज़न यही है हुँ. कि हम बॉटलअप कर चुके हैं पाकिस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर हमने क्लोज कर लिया है वेस्टर्न बॉर्डर क्लोज कर लिया है नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर क्लोज कर लिया ना है ना ईरान के साथ हमारा कोई ताल्लुक है ना अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रेड हमारी अच्छी है तो आपकी मैशत कैसे वो नुकसान बिल्कुल बात आती है कि जैसे मैशियत की उन्होंने बात की है सही कह रहे हैं कि ये फिर उसके बाद आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते हैं लेकिन उसकी वही बात आती है कि हमारे पास कोई पॉलिसी अभी की बात नहीं है ये कोई रिजवी क्या मौलाना रिजवी जो है जो जी के है जी उसकी आप सुन लेते पहले भी अभी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ आठ महीने दस महीने पहले उसकी हाँ। क्लिप मौजूद थी जिसमें उस नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे होली पे कोई जो तकरीर जो की जी 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 लोगों उसको और एक तो इसका जी मतलब तो उसको तक... सराहा जो है वो पीएमएलएन के अंदर एक उस का आप फतवा जारी कर रहे हैं उसके खिलाफ रियासत ने क्यूँ नहीं जो है ना कि बिल्कुल रियासत जो है वो अब करती है और काम करना चाहती है लेकिन जैसे ये ग्रुप्स हैं ये तो साफ मैसेज जा रहा है कि भाई आप पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर उनको इसलिए लेके आ रहे हैं कि आप उनको डिफेंड करना चाहते हैं तो ये मिल्ली मुस्लिम लीग है ये हाफिज सईद और ये सब क्यों हम पाकिस्तान दुनिया के सामने जगहसाई कर रहे है? रियासत का काम इनको रोकना जनसा जनसा जी सर सर मैं कह रही हूँ कि ये ये रियासत का काम है ना कि ये इस तरह के जो तंजीमे हैं उनको रोके वो नहीं रोक रहे के बस में तो ये नहीं लग रहा। जी हाँ देखिए वो इसमें हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का रहा है हुँ. और सिपाही साहबा के अमीर आजम साहब तारिक साहब जो थे वो एम एन एम पी एलेक्ट होते थे अभी भी झंग से एक साहब उनके बेटे मेरे ख्याल में जो थे जो बानी थे अपने के वो इलेक्ट हुए पंजाब के एमपीए और उनमें वो रीज़न ये देते हैं कि जी इनको हम फिरका वारियस से और एक्सट्रीमिज्म से हटा कर हम मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं इनको जमुरियत में ला रहे हैं इनको ताकि जमुरियत के अंदर ये असम्बली में बैठकर ये जमुरी बन जाए मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है लेकिन आप जो करें रियासत क्यों नहीं एक्ट कर रही रियासत में इलेक्शन कमीशन ने मिली

उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ज़रूर एक्शन होना चाहिए ताकि रियासत को में इंतजार को रोका जाए और इस एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स को रोका जाए ये बहुत जरूरी है और इस पर एक्शन होना चाहिए लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि साविदा ये एक बात जो कि भी खैर जाते जाते करना मैं चाहती थी जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी तलवार लटक रही देखिए जब पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पॉलिटिकल लोगों के साथ सूरत हाल इस तरह की होगी तो फिर ये जो ग्रुप्स है ये मुनजम होकर सामने आ सकते हैं पोलिटिकली और उनको नाम दिया जा सकता है तो पोलिटिकल पार्टी तो तलवारी तौर पर इंतहाई अदब के साथ मैं मेनस्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग के हक़ में हूँ अच्छा मैं कहता हूँ बलोच ट्रेंड को भी रास्ता देना चाहिए इसी तरह मैं कहता हूँ कि कराची में उर्दू बोलने वालों को भी रास्ता देना चाहिए कुछ दिया गया वही सलूक इन लोगों के साथ भी करना चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं उससे पहले ज़रूरी है कि वो अपनी गलती का एतराब करें और रियासत एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये काम करें मैं खुद भी ये कहता हूँ कि इनका न कुचला जा सकता है न कुचलना इनका हक है लेकिन वो काम एक पुरसरार तरीके से अगर आप करेंगे ठीक है तो वो बगैर प्लानिंग के तो उससे ये मसला होगा दूसरी तारीख हमें ये बताती है कि इस तरह की तनजीमें पाकिस्तान में यानी स्टेट की रेट जो है या स्टेट बड़ी ताकतवर चीज है अगर स्टेट करेक्टिवली रिस्पॉन्ड करे तो कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता हुँ। 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 हुआ कैसे दो वजूहत से एक जब आपने मजहब को स्ट्रेटिजिक मकासद के लिए बतौर टूर इस्तेमाल किया बिल्कुल और दूसरा जब आप मेन स्ट्रीम पोलिटिकल फोर्स को आउट करते हैं हमेशा यानी मार्शाला में ये तनजीमें बहुत पलिज बिल्कुल आपने देखा मैं मुझे खुद अभी भी याद है ना कि जब ये बारह अक्टूबर नाइनटीन <coughs> वो हुआ उससे पहले हमने इस तहरीर और इन चीज़ों के नाम नहीं सुनी थी अब कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि पूरा पेशावर उनके बैनर्स और उन चीजों से भर गया तो उसके लिए जरूरी है फिर ये कि ये एक्सट्रीमिज्म के मुख्त शक्लें होती हैं जब आप बात बात पे गद्दारी करते हैं सही बात है। आपके इलेक्टेड लोग अगर पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुक बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उनको अगर किसी किसी का 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 हथियार हथियार है, है तो फिर है। किसी एक तो... तबके का जो है, वो कुफर फतवा है और उसका है। इसलिए सारे ट्रेंड्स को खत्म करना और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा की ये इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती इन ट्रेंड्स को खत्म करने के लिए रियासत की जिम्मेदारी है हुकूमत भी उसका हिस्सा है लेकिन हुकूमत और रियासत अगर अलग अलग नहीं है एक सफे पे है तो उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए वरना पाकिस्तान का चेहरा यह नहीं जो कि इस वक्त दिखाया जा रहा है फैसला आपका